नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मणिकर्ण में बहे माँ बेटा, ब्रह्मगंगा में बाढ़ आने से हादसा, एक महिला पर्यटक और स्थानीय युवक भी लापता। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के तेंजिंग नाला में बाढ़ से 10 लोग लापता, तलाश में जुटा प्रशासन। पठानकोट एनएच पर भूस्खलन की जद में लापता जेसीबी सहायक का शव बरामद, मलबे की चपेट में आने से नाले में बहने से हुआ था हादसा। मंडी के हणोगी में बाढ़ से भारी नुकसान, फोर लेन का काम कर रही कंपनी की मशीनरी और गाड़ियां मलबे में धंसी। जोगिंद्रनगर में भारी बारिश के चलते बिजली की तारों पर गिरा पेड़, कई तारे टूटी। ऊना शहर के चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर चली तलवारें, गांव के दो युवक लहूलुहान, एक की कटी उंगली। पौंडा साहिब में बारिश से कई लिंक रोड बंद, यमुनागिरी और बाता नदी में जलस्तर बढ़ने से खोला जटोन बांध का गेट। भारी बारिश से ऊना जलमग्न, नदी नाले उफान पर, थमा यातायात। दौलतपुर चौक के पीठीपुर गांव में एक कच्चा मकान जमींदोज, बाल बाल बचा परिवार। भारी बारिश के कारण लारजी सैन संपर्क मार्ग 7 घंटे बंद, मलबे गिरने से दोनों तरफ फंसी सैकड़ों गाड़ियां। भरमौर के खड़ामुख होली मार्ग पर भूस्खलन, पंगीरा के पास भूस्खलन से सड़क बंद। भारी बरसात से मंडी के 34 मार्ग अवरुद्ध, बहाली को युद्ध स्तर पर चला काम, 12 रूटों पर एचआरटीसी के बसों की आवाजाही पूरी तरह ठप। कांगड़ा में गुलाब जामुन बेचने वाले उत्तर प्रदेश के युवक ने नंगल की नहर में कूद की आत्महत्या, वीडियो वायरल। कटोला बजोरा मार्ग में लैंडस्लाइडिंग होने से सड़क मार्ग 4 घंटे बंद, दोनों तरफ गाड़ियों का जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। राजगढ़ मार्ग पर कंडा नाले में फंसा कैंटर, लोगों व जेसीबी की मदद से बाहर निकाला चालक। हमीरपुर के भोटा में कीचड़ में फिसली एचआरटीसी बस, हवा में लटका झरनोट जा रही गाड़ी का टायर। रिकांगबियो के सांगला छितकुल मार्ग से निकले पर्यटक, अब भू वैज्ञानिक के सर्वेक्षण के बाद ही खुलेगा मार्ग। रोडू के चिड़गांव गुम्मा में फटा बादल, बाढ़ आने से बहा पुल, पब्बर नदी भी उफान पर। पौंडा साहिब शिला एनएच पर मूसलाधार बारिश होने से भूस्खलन, 4 घंटे तक बंद रहा मार्ग। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने अंब में किया बस अड्डे के भवन का लोकार्पण, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, शाम 6 बजे देखना न भूले शिमला से हमारा विशेष लाइव।